नमस्कार, आज मैं अजय शर्मा, आज जनता के बीच में हम आए हुए हैं संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा के बारे में जानने के लिए कि वो अपने विचार किस तरह से सोचते हैं आज की डेट में। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, मीडिया में और अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ। आप डेरे से कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं 1996 से डेरा सच्चा सौदा से पूज्य गुरु जी से जुड़ा हुआ। तो आपके डेरे पर जो इस तरह के आरोप लगे हैं उनको आप अपने हिसाब से किस तरह सोचते हैं कि वो सही है या गलत है? मैं मेरे पर्सनल व्यू में और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो गुरुजी ने हमारे को शिक्षा दी है उस हिसाब से वो सारे आरोप गलत हैं, जबकि हमारे गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे और समाज भलाई के काम किए हैं और देशभक्ति के काम किए हैं, तो वो ऐसे सुलझे हुए फकीर हैं कि इस तरह की बातों के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। ये जो उन्होंने नशा मुक्त करने का जो अभियान चलाया था कि युवा वर्ग जो कि नशे में आजकल डूबा हुआ था, खासतौर से पंजाब पे हम देखें, तो उस पर उन्होंने क्या काम किया है? बिल्कुल, वो नशे के घोर विरोध रहे शुरू से ही और वो इस पे बहुत गहन विचार के साथ नशे दूर करने के लिए प्रयासरत थे और बहुत फर्क था पंजाब में ही और हरियाणा में। हरियाणा में तो नशे बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे, पंजाब में बहुत फर्क पड़ गया था नशों में 80%, लेकिन जब से गुरुजी गए हैं तो तब से पंजाब का आप हाल देखिए, आप वहाँ सर्वे करवाइए नशों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। उनके जाने के बाद समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? जाने के बाद ये प्रभाव पड़ा है कि लोग वही दोबारा फिर नशों की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं और आदमी जब नशों में गुलतान होता है तो वो दूसरी तरफ भी बढ़ता है। हम देख रहे हैं ये अखबारों में भी पढ़ते हैं, जगह जगह अब बलात्कार की इतनी सारी खबरें आने लगी हैं बहन बेटियों के साथ, तो ये सब इसी का नतीजा है कि युवाओं को एक सही दिशा की तरफ नहीं ले जाया जा रहा, बहन बेटियों की सुरक्षित नहीं माना जा रहा। उसके बारे में आप क्या प्रभाव समझते हैं कि उनके जाने से पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि वो जगह अपने जो डेरे बने हुए हैं उनमें भी और देश में जगह जगह जाके खास करके युवा वर्ग जो है हमारे गुरुजी के सत्संगों में 70% 80% युवा वर्ग ही आता था और वो सत्संग सुन के उनका एकदम विचार, क्योंकि सारी विचारों की बात है और विचार पलटी होते थे, तो उससे युवाएं जो है वो गलत कामों के बजाय अच्छे कामों की तरफ जुड़ते थे और ये सिलसिला पिछले 3 साल से बंद होता दिखाई दे रहा है। आज समाज को उनकी कितनी जरूरत महसूस करते हैं आप? समाज में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज भी इस बात को मानता है कि समाज जो है वो गुनाहों और उसकी बजाय शांति प्रिय होता है और चाहता भी है, तो इसलिए शांति व्यवस्था जो है वो एक विचारों के माध्यम से ज़्यादा तेजी से आती है और गुरु जी इसी बात पे जोर देते हैं कि आदमी के विचारों को बदला जाए जिससे कि लोग बुरे कामों के बजाय अच्छे कामों की तरफ प्रवृत्त हो। धन्यवाद।